अस्सलाम वालेकुम, मैं अली सलमानचन ट्रैवल विद अंचन के नए व्लॉग के साथ। ये बेसिकली जो मेरा व्लॉग है वो कराची से करबला का है, मगर करबला में भी ये सिर्फ बैटल ऑफ करबला स्पेसिफिक है, क्योंकि 2017 के अंदर मेरा इराक जाना हुआ था और वहाँ से मैंने सिर्फ बैटल ऑफ करबला रिलेटेड जो थी वो फुटेज इकट्ठे किए, क्योंकि बचपन से एक फैसिनेशन थी कि उस जगह पर जाएँ। बड़ी खूबसूरत जगह, बड़ी रूहानियत, अल्लाह ताला सबको लेके जाए तो सुकून मिलता है आपको। तो वो मैंने पूरा वो रिकॉर्ड किया, वो बैटल ऑफ करबला वाला जो सहरा था उस ज़माने में, सहरा था, अभी तो वो एक सिटी बन गई है और वहाँ पे हरम बन गए हैं या दूसरी इमारतें या होटल्स हैं। तो वो मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की कि उस ज़माने में का मंजरनामा कैसा होता होगा या होगा बिल्कुल जब सहरा था। और अब तो वो एरियाज़ जो जहाँ पर खैमे लगे थे, जहाँ पर जंग हो रही थी, वो पूरा वो मैंने उस पूरी एरिया को मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो अब तो वहाँ पर बड़ी बिल्डिंग्स बन गई है, तो आई एम श्योर कि वो मैंने जो रिकॉर्ड किया आपको पसंद आए, आपको अच्छी लगे। अगर थोड़ा कंटेंट के अंदर, इन्फॉर्मेशन के अंदर थोड़ी 19-20 हो तो मैं माजत खाऊं, और फुटेज के अंदर क्वालिटी अच्छी ना हो तो उसके लिए माजत खाऊं। मगर इसकी बात ये हो गई कि हम एक मौलाना साहब मिल गए, बड़े यंग थे, एनर्जेटिक थे, उन्होंने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, तो उसी इन्फॉर्मेशन पर रहते हुए हमने उसको कंपाइल किया। और फिर जब हम उनका इंटरव्यू कर रहे थे तो आखिर में बड़ा अच्छा एक लकीली वो एक चीज़ हो गई, वो आखिर में सरप्राइज है आपके लिए, वो देखिएगा, वो रिकॉर्ड हुई और वो बड़ी रेलिवेंट भी है हमारे पूरे उस क्या कह लें आप पूरे व्लॉग के अंदर, वो आखिर के अंदर वो पीस है वो बिल्कुल देखिएगा। तो अच्छा जर्नी रही मेरी, तो वो बस कोशिश की कि मैं वो जो मैंने रिकॉर्ड किया था अच्छे तरीके से कंपाइल करके आपके सामने रख सकूं। इसके अलावा मेरा बहुत सा जगह दुनिया में जाना हुआ है, बहुत से जो दूसरे मजाहब के जो जगहें हैं उधर भी जाना हुआ है, गुरुद्वारों में, चर्चेस में, सेनेगाल के अंदर और मंदिर के अंदर, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप एक्सपीरियंस करते हैं, और तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है ट्रैवल का। और मेरा बड़ा अच्छा रहा है ट्रैवल का एक्सपीरियंस, जो मैंने आपको पहले व्लॉग के अंदर अपना ट्रैवल के बारे में जरा आपको जो मैंने इंट्रो दिया था, बताया था कि हमारे व्लॉग्स कैसे होंगे आगे इंशाल्लाह। तो बस लकीली या मैंने मतलब कह लें मैंने वो जो वो एक्सपीरियंसिस थे मैं व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर सका, तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट आगे जाऊंगा तो मैं वो भी चीज़ें एक्सपीरियंस जो है वो भी व्लॉग को अपने रिकॉर्ड करूंगा, वो भी एक्सपीरियंसिस को रिकॉर्ड करूंगा, जहाँ जहाँ मैं जो किसी की भी मजहब दरसगाहों में या मदरस जो रिलीजियस प्लेसेस में मेरा जाना हुआ वो भी रिकॉर्ड कर करूँगा, आपको दिखाऊँगा। तो और हमारा मकसद भी यही है कि इंसानियत प्रमोट हो, पाकिस्तानियत प्रमोट हो, इंटरफेथ हार्मनी हो, और हम सब आपस में एक मोहब्बत की पीस की बात करें। तो मकसद यही है कि आगे वाले व्लॉग्स के अंदर मैं आपको अच्छा कंटेंट दे सकूं, अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। शुरू के 5-6 व्लॉग्स आपको ऊपर नीचे नज़र आएंगे, मज़ा नहीं आएगा शायद, या थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, मगर आई एम श्योर कि आगे जितने व्लॉग्स में होंगे वो आपको अच्छे नज़र भी आएंगे, अच्छे लगेंगे, क्योंकि वो मैं ज़्यादा कॉन्टेंट बेस पर काम करूँगा, और उस पर मैं थोड़ा और जो मैंने यहाँ पर गलतियाँ की हैं वो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। आपकी गाइडेंस होगी, आपकी रहनुमाई होगी, आप बिल्कुल अपने फीडबैक हमें देते रहिएगा, मुझे देते रहिएगा, ताकि मैं उसके ऊपर काम कर सकूँ। तो बस ये कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको वो दे सकूँ, और इसके साथ मैं चाहूँगा आप मेरा व्लॉग देखें। थैंक यू सो मच। एयरपोर्ट पे हैं अभी, और कराची एयरपोर्ट से हम जो है करबला जा रहे हैं, और इंशाल्लाह आपकी पूरी जर्नी जो करबला तक की है, कराची से लेके इराक का पूरा सफ़र हम आपको, मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप क्या मराहिल है। अभी हम चेक इन करा दिए अपना सारा लगेज वगैरह, और अभी इमिग्रेशन काउंटर से हम होते हुए जो है वो हम जाएँगे वेटिंग एरिया, जब हमारा जहाज़ चलेगा, या मेरे सामने पीछे देख रहे हैं इमिग्रेशन है हमारा कराची एयरपोर्ट का, कराची एयरपोर्ट का इमिग्रेशन की क्यूज बनी है, और ये सारा का सारा काउंटर से लगेज काउंटर से यहाँ पे जो एयरलाइंस अपने कर रही हैं, और ये पासपोर्ट कंट्रोल जो आपको दिख रहा है यहाँ से पीछे, हम आ गए हैं जी दुबई, क्योंकि कनेक्टिंग फ्लाइट है और डायरेक्ट नहीं थी,
तो हम दुबई आए हैं, अभी आप दुबई एयरपोर्ट पे हैं। इसके बाद हमारी जो फ़्लाइट है वो बगदाद की है और बगदाद पहुँचेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर आगे सिलसिला स्टार्ट हो। देखिए रात को उस टाइम तकरीबन मेरे ख्याल से 12 या 2 बज रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं, मगर एक से ऊपर ही हो रहा है। और रश देखें माशाल्लाह से हरम में अभी तक है। और ये सामने आपको जो रोज़ा नज़र आ रहा है उस तरफ बहुत अब्बास रमदार का है, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली इमाम हुसैन का है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो हम जो है अब सफ़र कर रहे हैं आगे की तरफ, और ये हरम जो है वो मैं इसको अगर पीछे कर सकूँ तो वो नहीं हो पा रहा, मगर मैं आपको वहाँ उस एंगल से दिखाता हूँ। ये देखेंगे मेरे पीछे आपको जो हरम नज़र आएगा वो हज़रत अब्बास रमदार का होगा। ये देखेंगे ये जो हज़रत अब्बास रमदार का है, और ये इमाम हुसैन का है, ये हिस्सा देखें ये हिस्सा। और इसके सेंटर के हिस्से को जो है वो हरमैन कहते हैं आई थिंक, मुझे पता नहीं, मैं थोड़ा सा पता करूँगा क्या कहते हैं, मगर ये जो है बीच का हिस्सा है जो राजदारी है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं इस टाइम खैमा गाह पे मौजूद हूँ। यह वो गुंबद जो नज़र आ रहा है, खैमा गाह गुंबद है, निशानी है कि जितने भी खैमे नफ़ हुए थे इसके पीछे इधर नफ़ हुए थे, और इसके अंदर जो है वो निशानी के तौर पे खुद पे नफ़ से लिखे हुए हैं, बेगे अब्बास का खैमा था, ये जनाब ज़ैनब का खैमा था। तो अंदर जाने की इजाज़त नहीं कैमरा लेके, मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। ये देखें खैमा गाह का हिस्सा, इसके अंदर तमाम ज़्यारतें मौजूद हैं, ये बड़ा खूबसूरत है अंदर से भी, बहुत अच्छी इसके अंदर डिज़ाइन हुआ। मैंने कुछ तस्वीरें खींची, मैं इसके अंदर इंशाल्लाह आपको अटैच करूँगा इसके साथ। तो इसके इस जगह पे सारे खैमे नफ़ हुए थे, और ये जो है किला ज़ैनबी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही है तो आपको मैं उस दूसरे एंगल से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये किला ज़ैनबी है, ये पूरी इस कंस्ट्रक्शन हो रही है, और पीछे आपको देखेंगे इमाम अब्बास का हरम नज़र आ रहा होगा शायद। ये देखिए ये मैं आपको दूसरे एंगल से दिखाता हूँ। देखिए ये वाला जो एरिया था यहाँ पर खैमे नफ़ से, और उसके बाद किले ज़ैनबी उस तरफ है, मैं आपको थोड़ी आगे से दिखाऊंगा इंशाल्लाह दूसरे एंगल से। और फिर इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास और तमाम शहदा जो थे वहाँ पे शहीद हुए थे। तो ये थोड़ा सा आप इमेजिन करें कि वो उस टाइम एक मंज़र था। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको आगे दिखाऊंगा उसके बारे में और आपकी तफसीलात दूँगा। तो ये जो सामने आपको ग्रीन रंग के गुम्बद नज़र आ रहे हैं, ये इस एंगल से जो है वो खैमा गाह है। मैंने आपको पहले करीब से दिखाई थी खैमा गाह, ये दूसरा एंगल है, ये खैमा गाह है यहाँ पर देख रहे हैं। और ये जो मुकाम है ये ब्लैक रंग का जो आपको कवर्ड हिस्सा नज़र आ रहा है, ये किला ज़ैनबी है, जहाँ से जनाब ज़ैनब ने इमाम हुसैन को और उनके अंसार को शहीद होते हुए देखा था इस एरिया से। और इस एरिया में पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये देख रहे हैं जो उससे आपको कंक्रीट की दीवार नज़र आ रही थी, ये इसको पूरे हिस्से को डिवेलप किया जा रहा है। तो अगर आप इमेजिन करें कि वो खैमा गाह थी उस एरिया पर, और ये यहाँ से जो है जनाब ज़ैनब ने देखा था, और ये हरम है इमाम हुसैन है जो मैं आगे से एंगल से दिखाऊंगा, और उसके आगे इमाम अब्बास का हरम है। तो ये पूरा एक बैटल फील्ड थी, यहाँ पे करबला की जंग हो रही थी, एक पूरा शहर था जो अब शहर में कन्वर्ट हो गया इमाम हुसैन की फजीलत से। तो आप ये देखें हम यहाँ पर मौजूद हैं करबला मोहल्ला में, और हम चाहते हैं कि अपने नाज़रीन को करबला मोहल्ला की बैटल फील्ड जो जंग की सूरत हाल थी, और किस अंदाज़ से इमाम हुसैन और किस अंदाज़ से हज़रत अबुल फजल अब्बास यहाँ पर दफन हैं, और किस अंदाज़ से यहाँ पर पूरा मार्का पेश किया गया और किस अंदाज़ से पूरा मार्का हुआ, वो आपको आपकी खिदमत में बयान करना चाहते हैं, ताकि वो नाज़रीन
جو نہیں جانتے کہ کربلا میں کس انداز سے یہ پورا ہوا اور کس انداز سے یہ مدفون ہے تو ان کو معلومات ہو سکے. سب سے پہلے ہم اس جانب چلتے ہیں کہ وہ مقام کے جہاں پر خیمہ گاہ جو کہتا ہے خیام حسینی کہلایا جاتا ہے وہ مقام ہے کہ جو سبز گنبد آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اہل بیت اطہار نے اپنے خیمے لگائے تھے. چونکہ پورا یہ مقام صرف صحرا تھا یہاں پر خیام حسینی, اس کے بعد یہ مولا حسین کا روضہ ہے کہ جو ہم سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں, یہ امام حسین کا روضہ ہے. امام حسین اچھا یہ اس روضے کے اندر یہ ایسا ہے کہ آپ جب حرم تشریف لے جائیں گے انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو بار بار یہاں پر بلائے تو آپ کو اندر قتل گاہ بھی مل جائے گی, اور قتل گاہ جو بالکل ساتھ ہی جہاں پر امام کو ذبح کیا گیا اس کے ساتھ ہی امام کچھ ذرا سے فاصلے پر امام دفن کیے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ بیچ میں یہ جو بلیک ایریا ہے وہ جو کورڈ ایریا ہے یہ وہ قلعہ زینبیہ تھا کہ جہاں پر جناب زینب موجود تھی, اور چونکہ اب یہاں پر صحن عقیلہ بن رہا ہے جناب زینب سے متعلق پورا ایک صحن بن رہا ہے جو کہ قلعہ زینبیہ کو پھر فوکس کرتے ہوئے بنایا جائے گا, تو یہ صحن عقیلہ اور وہ جو کورڈ ایریا ہے وہ قلعہ زینبیہ تھا لیکن اب ختم کیا گیا ہے تاکہ مزید جو ہے وہ تعمیرات کو بہترین کیا جا سکے. اور وہاں پر جناب زینب اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی, وہ ذبح خانہ مذبح خانہ حرم کے اندر ہے, اور پھر جو ہے وہ امام حسین. یہ کہا جاتا ہے کہ جس جگہ پر جناب زینب کھڑی تھی اس جگہ سے بالکل جو جس جگہ پر امام حسین کو ذبح کیا گیا وہ جگہ 70 قدم کا فاصلہ رکھتی ہے, اور واقعتاً اگر اس مقام سے ہم دیکھیں تو 70 قدم سے زیادہ بنتا نہیں ہے, کیونکہ حرم میں انسان جب جاتا ہے تو اسے مختلف چیک پوسٹ سے ہوتے ہوئے جانا پڑتا ہے, لیکن امام حسین کے حرم سے اگر امام حسین کی طرف بالکل سیدھا جایا جائے اور اس مقام پر جہاں پر جناب زینب کھڑی ہوئی تھی اس مقام کو تصور کیا ہے 70 قدم سے زیادہ فاصلہ بنتا نہیں ہے. اس سے پیچھے جو حرم ہے جو روشن ہے, اور اس کی چونکہ مغربین کی وجہ سے اب کچھ لائٹنگ ہو گئی ہے اس کی, تو وہ حضرت ابو الفضل عباس کا حرم ہے, اور چونکہ حضرت ابو الفضل عباس نے اس وقت آخر امام حسین کے سرحانے امام حسین سرحانے موجود تھے, اور وقت آخر امام حسین سے وصیت کی تھی کہ مولا مجھے نہر فرات ہی کے کنارے دفن کرنا, اور امام نے ان کے جنازے کو یا ان کی لاش اثر کو وہیں چھوڑ دیا تھا, اور سید سجاد نے انہیں وہیں دفنایا. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, ہم اپنے ناظرین کو بتا دی چلیں کہ دونوں حرمین میں یعنی حرمین شریفین کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا صفا اور مروہ کی پہاڑی کے درمیان فاصلہ ہے, یعنی امام حسین اور حضرت عباس کے حرم میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا صفا اور مروہ کے درمیان فاصلہ ہے, اور اس کے درمیان کا جو ایریا ہے وہ بین الحرمین کہا جاتا ہے, یعنی دو حرم کے درمیان کی جگہ جو آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ ٹی وی پر باقاعدہ فوکس کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ وہ مقام یہاں سے کچھ اور فاصلے پر ہے, اور کف عباس کے وہ مقام کے جہاں پر حضرت عباس کا دایاں بازو علیحدہ قلم ہوا, بایاں بازو پھر قلم ہوا, اس کے بعد مولا کو اس مقام پر مولا وہاں پر جا کر گرے ہیں, اور اس مقام تک مولا کو آنا تھا, ان خیموں تک مولا عباس کو آنا تھا, لیکن اس مقام پر مولا عباس گر گئے تھے, مشک سکینہ جو ہے اس میں حرملہ نے تیر پیوست کر دیا تھا, اور مشک سکینہ جو ہے وہ بہہ چکا تھا, پانی بہہ چکا تھا سارا, اور مولا عباس کو اس مقام تک آنا تھا لیکن مولا عباس نہ آ سکے, اور کہا کہ باب الحوائج اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عباس کی دو حاجتیں تھیں, تلوار چلانے کی اجازت مل جائے, مصلحت خداوندی کے تحت تلوار چلانے کی اجازت نہ ملی, اور دوسری خواہش یہ تھی کہ سکینہ تک پانی پہنچ جائے, لیکن سکینہ تک پانی بھی نہ پہنچ پایا, تو اب یہ باب الحوائج ہے, یعنی ان کے دروازے سے جو بھی مانگا جائے پروردگار حضرت عباس کی دو حاجتوں کے سبب سے پوری کائنات کی تمام حاجتوں کو قبول کرتا ہے. یہ جو آسمان پہ آپ مغربین کی سرخی دیکھ رہے ہیں, یہ جو سرخی بالکل آتی ہے اس کے متعلق, چونکہ ہم امام حسین کے روضے پر اور حضرت الفضل عباس کے روضے پر موجود ہیں, یہ مغربین کے وقت کی سرخی کے متعلق چھٹے امام کی حدیث ہے کہ امام نے فرمایا تھا کہ مغربین پہ اس انداز سے سرخی نہ ہوتی تھی, مگر جب حسین ابن علی کو شہید کیا گیا اس کے بعد سے اس وقت تو آسمان مکمل سرخ ہو گیا تھا, اور اس کے بعد سے لے کر تا قیام قیامت تک یہ مغرب کے وقت اس انداز سے سرخ ہو جاتا ہے, گویا کہ آسمان بھی رو رہا ہے. اور مولا رضا نے فرمایا تھا وَلَقَدْ بَقَتِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعَ عَلَىٰ قَتْلِهِ, ساتوں آسمانوں نے گریہ کیا, ساتوں زمینوں نے گریہ کیا حسین ابن علی.